साई की बात, मैं ही बच्चे नियंत्रण करता हूँ। मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। तेरे जीवन में चल रही छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी घटना तेरे साईं के मर्जी से होती है मेरे बच्चे। तेरे घर में जो तस्वीर है ना, मैं उसमें सदैव रहता हूँ, उसमें विराजित रहता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तेरे आस पास होता हूँ मेरे बच्चे। और बहुत जल्द तेरे अशुभ कर्म समाप्त होने वाले हैं मेरे बच्चे, उन्हें मैं धीरे धीरे काटता जा रहा हूँ। चिंता मत करना, बहुत जल्द तेरे जीवन में खुशहाली आने वाली है मेरे बच्चे। और तेरे साथी से तेरी बनती नहीं है ना, मैं जानता हूँ बहुत झगड़े होते हैं, पर मेरे बच्चे तुम शांत रहा करो, अपने मन को शांत रखा करो। जब भी क्रोध आए तुम मुझसे कह दिया करो, अपने मन को शांत किया करो, फिर भी ना हो तो मेरा नाम स्मरण किया करो, तुम्हें मन में शांति मिलेगी मेरे बच्चे। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन तुम्हें अपने आध्यात्मिक शांति चाहिए ना मेरे बच्चे, तो अपने साईं को याद कर लिया करो। जो बच्चे मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं ना, मैं उन्हें दर्शन देता रहता हूँ, अपने होने का एहसास कराता रहता हूँ, उनके जीवन में लीला चलती रहती है। दिनचर्या में जो कुछ भी होता है ना, उसमें मेरी लीला होती है, चाहे मेरे बच्चे समझे या ना समझे, मैं हमेशा उनके आसपास होता हूँ। कण कण में मैं हूँ, हर जगह हूँ, तुम मुझे एहसास किया करो। जो बच्चे मेरे शरणागत होते हैं ना, उन पर मैं आज भी नहीं आने देता मेरे बच्चे, उन पर आए संकट को मैं दूर से ही टाल देता हूँ, उनके आसपास भी नहीं आने देता, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, उन तक नहीं पहुँचने देता हूँ कुछ भी। और कुछ मेरे बच्चों की थाली से जो भोजन व्यर्थ होता है ना मेरे बच्चे, उसे किसी जीव जंतु को दे दिया करूँ। यूँ व्यर्थ ना किया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत किया करो। खुशियाँ तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है मेरे बच्चे। अपने अंदर को शांति को ढूंढो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर बहुत खुशी है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा साई है, तुम्हारे अंदर मैं हूँ मेरे बच्चे। अपनी आंखें बंद करके दिल से मुझे पुकारो, हो सके तो मेरा ध्यान किया करो, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे घर में बड़े हैं ना, उनका आदर किया करो, उनकी सेवा किया करो मेरे बच्चे। मैं सब देखता हूँ, उनके कर्म भी और तुम्हारे कर्म भी, पर मेरे बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं। वो जैसा भी करे, जो भी करे, मैं बैठा हूँ सब कुछ न्याय करने के लिए, तू तो बस अपना कर्म कर मेरे बच्चे। और ढोंगी से सावधान रहना, कई लोग जो तुझे अपना होने का दिखावा करते हैं ना, जो तेरे शुभ चिंतक बनने की कोशिश करते हैं, पर मेरे बच्चे असल में उनके मन में तुम्हारे लिए क्या व्यथा है ना, उसे पहले जान लो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे सामने क्या होते हैं। तो ढोंगियों से सावधान रहो मेरे बच्चे। आज 11 बार कष्ट निवारण मंत्र पढ़कर मुझे सुनाना, तुम्हारे कष्ट धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। अपने मन से घृणा, निंदा और क्रोध को त्याग करो मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारे मन में ये होगा, तुम्हारा साईं तुम्हारे पास नहीं हो सकता, तुम्हें अपने साईं का अनुभव नहीं हो सकता मेरे बच्चे। साईं साईं का जाप किया करो। मैं जानता हूँ तुम मेरी पूजा करते हो, मेरा अध्ययन करते हो, लेकिन जिस नजरिए से तुम मुझे बुलाते हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे पास होता हूँ। तुम्हारा जो प्यार है ना मुझ पर, एक माँ के समान समझते हो ना मुझे, तो मैं ही तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा लालन पालन करता हूँ मेरे बच्चे। और तुम जब भी साईं सचरित्र पढ़ते हो ना, उसमें मैं तुम्हें हर बार एक नया संकेत देता हूँ, तुम समझ पाओ या ना समझ पाओ, लेकिन हमेशा देता हूँ मेरे बच्चे। और कई मेरे बच्चे मुझे मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं, लेकिन उनका विश्वास डगमगा जाता है, वो पूर्णतः ही मुझ पर विश्वास नहीं कर पाते। क्यों मेरे बच्चे, मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ है। और तुम्हारा साईं ही तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में जो दरिद्रता है ना, उसे भी मैं दूर करूँगा, चिंता मत करना। हमेशा खुश रहना मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहना।